हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले वांडा विजन के ऑफिशियली एपिसोड 1 और 2 रिलीज हो चुके हैं डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो अगर किसी ने नहीं देखे तो गाइस जाके देखो, और आज उन्हीं दो एपिसोड का मैं रिव्यू देने वाला हूँ, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एपिसोड से। तो पहला एपिसोड जैसे ही स्टार्ट हुआ तो आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि 40s और 60s में टीवी शो आते थे, और देन ब्लैक एंड वाइट, उसी तरीके से मजाक, बीच बीच में छोटी छोटी सी हंसी, और देन जो छोटे छोटे रेफरेंस थे मार्वल से रिलेटेड, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। बस ये कहना चाहूँगा पहले एपिसोड के लिए कि मुझे बीच में थोड़ी थोड़ी बोरियत तो महसूस हुई, पर मैं एक इंडियन फैन हूँ मार्वल का, और देन मैं चाहता था कि शायद मार्वल फेज 4 कंटेंट में हमें कुछ एक्शन पैक देखने को मिले। पर एपिसोड 1 देखने के बाद, फिर उसके बाद जैसे एपिसोड 2 स्टार्ट हुआ, जो कि कलर करेक्शन में था, थोड़ा एंडिंग में कुछ कलर देखने को मिला, और जिन जो छोटे छोटे ट्विस्ट थे, छोटे छोटे ईस्टर एग रेफरेंस थे, वो बहुत कमाल के थे, सस्पेंस भरे थे। अब ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, दोनों एपिसोड में देखने के बाद तीसरे एपिसोड के लिए मेरे को एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ गई। और देन आपको अगर मैं छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा, क्योंकि आपको भी दोनों एपिसोड देखने के बाद थोड़ी तो बोरियत महसूस होगी, और देन सबसे बड़ी बात, हिंदी में भी डब नहीं हुआ है, तो आपको अपडेट देना बस यही चाहूँगा कि पॉल वेटनी ने ये कहा है कि वांडा एपिसोड टोटल इसमें 9 रिलीज होने वाले, 7, 8, 9 में आपको भरपूर एक्शन पैक देखने को मिलेगा, और देन ये सेकेंड एपिसोड तक ही ब्लैक एंड वाइट में था, अब इसके बाद कलर करेक्शन में हो गया है, देन आपको थोड़ा और मज़ा देखने को मिलेगा। छोटे छोटे हर एपिसोड में आपको छोटे छोटे ईस्टर एग देखने को मिलेंगे, जो कि कमाल के होने वाले हैं, तो देखिएगा ज़रूर। और देन टीवी सीरीज थी बढ़िया, मज़ेदार थी और कमाल की भी थी। और अब बात करते हैं रेटिंग सी, तो रोटेड टोमेटोज पे इसे मिली 94% और IMDb पे मिली इसे 10 में से 9.3, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग्स है। और देन आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और देन आपको ये दोनों एपिसोड कैसे लगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।